5 राज्यों में कोरोना सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर पर रोक, आचार संहिता की वजह से फैसला। सोमवार से हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज, जरूरतमंद बुजुर्गों को भी लगेगी तीसरी डोज। कोरोना पर एक्शन में पीएम मोदी, नई लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन पर खास जोर देने को कहा, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करें। पीएम मोदी का अधिकारियों को निर्देश, राज्यों के साथ मिलकर करें काम, होम आइसोलेशन पर करें फोकस। नागपुर में ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज मिले, 4 की फॉरेन हिस्ट्री। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ करेंगे बैठक, कोरोना के बिगड़ते हालात पर करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी का 18 जनवरी को पुणे दौरा हुआ रद्द, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर हुआ फैसला। योग गुरु रामदेव का बड़ा दावा, पतंजलि के 500 वैज्ञानिकों ने की रिसर्च, कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने में कोरोनिल कारगर। स्वामी रामदेव ने चुनाव में रैलियों पर रोक के फैसले को बताया सही, कहा पूरे चुनाव में रैलियों पर लगे रोक, लोग कोरोना को हल्के में न लें। कोरोना पॉजिटिव हुए वरुण गांधी, कहा चुनाव आयोग को उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को कोरोना की बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। देश में 1,59,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस, पिछले 24 घंटे में 327 लोगों ने गंवाई जान। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 24,287 लोग संक्रमित, 18 लोगों की मौत। दिल्ली में भी 24 घंटे में 22,751 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 17 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम, 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा केसेज आए, 12 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 19,474 नए संक्रमित मिले, एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में एक दिन में कोरोना के 123 मामले, माहिम में 235 पॉजिटिव मरीज मिले। पुणे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केसों की संख्या 14,890। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार जारी, 24 घंटे में 12,000 नए केस दर्ज, अकेले बेंगलुरु में मिले 9,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में भी कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 12 की मौत। केरल में कोरोना के 6,238 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 30 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7,695 नए मामले दर्ज, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भी कोरोना के 1,413 नए केस, 24 घंटे में 1 की मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 6,275 नए केस मिले, 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। राजस्थान में कोरोना के 5,660 नए केस, 1 शख्स की मौत, 358 मरीज रिकवर। राजस्थान में सीएम आवास पर कोरोना का कहर, वीवीआईपी गाड़ी के ड्राइवर समेत 27 लोग पॉजिटिव हुए। पंजाब में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले दर्ज, 145 मरीज ठीक होकर घर लौटे। गुरुग्राम में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए केस आए, 24 घंटे में 507 मरीज रिकवर हुए। पुडुचेरी में कोरोना के 446 नए मामले आए, 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 4,714 नए मरीज मिले, पिछले साल 12 जून के बाद इतने केस मिले। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। सीएम अरविंद केजरीवाल की लोगों से अपील, मास्क लगाएं, हमारी कोशिश कम से कम पाबंदी लगे ताकि आजीविका पर ना हो असर। दिल्ली में कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी, शनिवार को 1,484 लोगों के कटे चालान। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का अटैक, दिल्ली पुलिस के पीआरओ और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत ब्रांच के कई पुलिसकर्मी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना गाइडलाइंस में संशोधन, 10 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में ब्यूटी पार्लर और जिम को 50% क्षमता के साथ खोलने का आदेश, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने गेटवे ऑफ इंडिया का किया दौरा, कहा कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के डोडा में बच्चों का वैक्सीनेशन जारी, 100 स्कूलों में लग रहा है कोरोना का टीका। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने हेल्थ आर्मी का बढ़ाया उत्साह, कहा उठे हजारों कदम, मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद कर्नाटक के रामनगर में कांग्रेस ने शुरू की पदयात्रा, कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। कांग्रेस की पदयात्रा पर कर्नाटक के गृहमंत्री का तंज, सत्ता में रहते हुए मेकेदातु योजना की परवाह नहीं की, अब छवि सुधारने में लगी। कर्नाटक के सीएम का भी हमला, कांग्रेस की मेकेदातु पदयात्रा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, कोविड नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। पुडुचेरी में पहली से नौवीं तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी, सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ होगा काम। त्रिपुरा में सोमवार से 20 जनवरी तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा, सिनेमा हॉल बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राजस्थान में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 30 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियां रहेंगी बंद, 12वीं तक की सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। राजस्थान में शादी में सिर्फ 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, होटल या रेस्टोरेंट रात 10 बजे से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बंगाल में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए फैसला। पटना के IGIMS अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 85% मरीज ओमिक्रॉन के मिले, 32 सैंपल्स में 27 ओमिक्रॉन और 4 मरीज डेल्टा वायरस के मिले। जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर BSF ने वीकली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को किया सस्पेंड, कोरोना की वजह से हुआ फैसला। नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी ऑफिस होटल के लिए वैक्सीनेशन कार्ड जरूरी, 17 जनवरी से लागू होंगे नियम। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए थे आदेश। पीएम की सुरक्षा चूक की डिटेल प्रियंका गांधी को देने पर भड़की बीजेपी, सीएम चन्नी से पूछा किस संवैधानिक हैसियत से प्रियंका को रिपोर्ट दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हमला, गांधी परिवार के प्रति कांग्रेसियों की चाटुकारिता फिर सामने आई। यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही एक्शन में बीजेपी, लखनऊ में सोमवार को 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक।
सीएम योगी की मौजूदगी में पहले और दूसरे दौर के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। प्रभारी राधामोहन और सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं कांग्रेस नेता इमरान मसूद। सोमवार को समर्थकों के साथ करेंगे बैठक। इमरान मसूद ने कहा कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद ही एसपी में जाने का लेंगे फैसला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनाव आयोग से अपील। कहा आयोग सुनिश्चित करे कि दलित और कमजोर वर्ग वोट डालने से वंचित ना रहे। मायावती का दावा बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आमजनों के हितों का ख्याल रखती है, अपराध पर लगाम लगाती है। बीजेपी नेता शिव प्रसाद यादव की चुटकी। भगवान श्री कृष्ण ने सपने में नहीं जगाकर कहा उठो और अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ो। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का दावा गोवा में टीएमसी की मौजूदगी से बीजेपी को चुनाव में होगा फायदा। उत्तराखंड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का दावा 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लद्दाख में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने फुनचोक स्टिटजिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नियुक्त। केएन कास्मिकोया को बनाया गया लक्षद्वीप बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान हमारी पार्टी ने दिखाया बिना पैसे के भी चुनाव जीते जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ताओं को मंत्र आपके लिए चुनाव सरकार बदलने का माध्यम नहीं समाज और देश में बदलाव का मौका। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू सोच समझ कर लेंगे फैसला जल्दी ही फाइनल होगी लिस्ट। पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर 15 जनवरी के बाद तस्वीर होगी साफ। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नौवीं लिस्ट जारी की। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू कोरोना संक्रमित पॉजिटिव होने की खुद जानकारी दी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का हमला जैसे आर्टिकल 370 हटा राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ उसी तरह तेलंगाना से निजाम और ओवैसी का नाम मिट जाएगा। वारंगल में बोले हेमंत बिस्वा सरमा तानाशाही के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी नए तेलंगाना का होगा निर्माण। गोवा के निर्दलीय विधायक प्रसाद गांवकर ने विधायक पद से दिया इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंपा। बिहार में बीजेपी को झटका नरकटिया विधायक रश्मि वर्मा का इस्तीफा निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही। देश में पहली बार 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इनोवेशन वीक का आयोजन। 15 जनवरी को 150 स्टार्टअप्स के साथ पीएम का संवाद। 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने को बताया सराहनीय फैसला। मुगलों के दमन के बारे में सबको पता चलेगा। प्रकाश पर्व पर रोशनी से जगमगाया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। आतिशबाजी भी की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। INS विक्रांत अगले समुद्री ट्रायल के लिए तैयार। अलग अलग हालात में एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रदर्शन की होगी स्टडी। RSS मुख्यालय की रेकी करने वाले आतंकी से नागपुर पुलिस करेगी पूछताछ। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है आतंकी। करीब 6 महीने बाद सुली डील ऐप केस में पहली गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने इंदौर से ऐप के मुख्य क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया। बुलीबाई मामले के मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई से पूछताछ के बाद पकड़ा गया ओंकारेश्वर ठाकुर। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के 46 ट्विटर हैंडल्स की पहचान की। सेना में सांप्रदायिकता फैलने की कर रहे थे कोशिश। दिल्ली पुलिस का खुलासा सांप्रदायिक वीडियो को मल्टी लॉगिन अकाउंट से कर रहे थे ट्वीट और रीट्वीट। मुंबई पुलिस को आतंकी हमले की फर्जी कॉल करने वाला गिरफ्तार। मध्यप्रदेश पुलिस ने पकड़ा। अहमदाबाद में सड़क हादसे में 5 की मौत 10 लोग घायल हुए। लंबी मूछ नहीं हटाने पर भोपाल में एक पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। विंग कमांडर अभिनंदन से प्रेरित है कांस्टेबल। गुजरात कोस्ट गार्ड ने पकड़ी पाकिस्तानी नाव। नाव पर सवार 10 पाकिस्तानियों से भी पूछताछ हुई। भारतीय तटरक्षक बल ने 20 मछुआरों के साथ बांग्लादेशी नाव वापस भेजी। इंजन खराब होने के कारण समुद्र में बह गई थी नाव। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी। बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। गुलमर्ग के कोंगडोरी में बर्फीले तूफान में फंसे बच्चों और पर्यटकों का रेस्क्यू। स्नो बाइक यूनियन ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढके तंगधार से बीएसएफ ने 4 मरीजों को किया एयरलिफ्ट। रेस्क्यू किए गए लोगों में एक बीएसएफ का जवान भी शामिल। उत्तर प्रदेश के एटा में ड्रग्स तस्करों पर नकेल। 35 लाख की कीमत का गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 गाड़ी चोर गिरफ्तार। 4 बाइक और अवैध हथियार जब्त किए गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक चंद्रकांत हंडोरे को जान से मारने की धमकी देने वाले पर FIR दर्ज। आरोपी की पहचान नीलेश नांचे के तौर पर हुई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में गिरी महिला तटीय और कोलाबा पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। और पाकिस्तान में बर्फीले तूफान में 10 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। मुरी में भारी बर्फबारी में हजारों गाड़ियां फंसी।